बहुत टेस्टी टेस्टी सी दोस्तों तो खानों दिखाने आज लाइव सी फूड किवें तैयार किया जाता है। आओ चल रहे हैं आप जेके रिजोर्ट। दोस्तों ये है जेके रिजोर्ट का किचन ते इथे तैयार किया जाता है कई तरह का सी फूड और फिशेज भी कई तरह के ने। आओ आप देखते हैं ये लॉबस्टर सी फूड ते इन्हें पहला वॉश कर लिया होया इन्होंने चंगी तरह फिर हम देखते हैं कि इन्हें किवें बनाते हैं। गाइस लैबस्टर की स्किन निकाल के तो जिहड़ा मीट है उन्होंने सैपरेट कर लिया गया। सो गाइज हुण करांगे आपां क्रैब की कटिंग फिर करांगे आपां इसनूं चंगी तरह वॉश। सो गाइज इन्हां दी कटिंग हो चुकी है हुण देखते हैं कि इन्हां नूं कुक कीवें कीता जांदा है। क्रैब मसाला रेडी हो रहा है। क्रैब मसाला इन्हें इससे लोकल्स के हम लोग बनाते हैं क्रैब मसाला। उसमें हम लोग मसाला डाले हैं हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर नमक और हम लोग का लोकल ग्रेवी होता है वो डाले हैं। अभी इसमें हम लोग क्रैब गाइस ये क्रैब बन रहे हैं एदे विच जिहड़ी इहदी ग्रेवी है वो पहला ही तैयार की गई है और एदे विच सारे इनग्रीडियंट्स पाए गए हैं यानी कि जिवें आपां प्याज टमाटर की प्यूरी तैयार करते हैं वो करके और नमक मिर्च मसाले इंडियन और इतों के जोड़े मसाले होंगे ने ऐड किए गए हैं। और उस तो बाद क्रैब नू विच पाता है 10 मिनट लिए कुक होएगा तो फिर तुम्हें दिखाने कि रेडी होने तो बाद किस तरह का लगता है और जो परसन खा रहे हैं उन्होंने तो टेस्ट के भी रिव्यू लवेंगे। हम सैकेंड आइटम तैयार कर लगे ने लॉबस्टर तो देखते हैं किवें तैयार किया जाता है। तेल और जीरा मोटा जीरा इस जीरा और मोटा जीरा दोनों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। चॉप प्याज चॉप अनियन भी डाले गए हैं ग्रेवी हो रही है तैयार इनू हजे लगन गए 10 to 15 मिनट। आफ्टर फ्राई ग्रीन लॉबस्टर का कलर चेंज हो जाएगा तुसी देखोगे कि डीप फ्राई होने तो बाद इसका कलर आ जाता है ऑरेंज। लो जी अपना क्रैब भी बन के रेडी है आओ कर दे आप इसकी प्लेटिंग। गाइज अपना क्रैब तो लॉबस्टर बन के रेडी है इन्हें प्लेटिंग हो चुकी है तो आओ चलते हैं सर्व करने। देखने से डिश बहुत यम्मी एंड टेस्टी लग रही है बट मैं वेजिटेरियन हाँ जिन्हें सर्व किया जा रहा है देखते हैं उन्होंने की फीडबैक है। क्रैब और लॉबस्टर
हेलो मैम, आज की जो डिश है आपको कैसी लगी? इट्स वेरी गुड, नॉट मच स्पाइसी ऑल्सो, टेस्ट वेरी गुड। और क्रैब? क्रैब इज एक्सीलेंट, एंड लॉबस्टर, आई लव दैट। गाइस, इना का कहना है कि जो क्रैब है एक्सीलेंट, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी थी। लॉबस्टर भी बहुत टेस्टी थी, बट फिल इज ऑल्सो वेरी गुड कंपेयर टू द सर्विस। अगर कंपेरिजन किया जाए क्रैब का और लॉबस्टर का, तो इन्हों क्रैब ज़्यादा वजी लगे। लॉबस्टर इन्हों का मतलब कहने का मतलब है लॉबस्टर भी बहुत अच्छा सीगा, बट क्रैब का टेस्ट ही वो ऑसम सीगा। अगर तुम भी कभी इतने अंडमान निकोबार आने हैवलॉक के जे के रिजोर्ट के एक बार जरूर विजिट करो और इन्हों का सी फूड ट्राई करो। थैंक यू सो मच। जरूर एक बार अंडमान निकोबार हैवलॉक के जे के रिजोर्ट जरूर विजिट करो, तो आके एक बार सी फूड जरूर ट्राई करना। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। एवें दी होर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लो, तो वीडियोज़ को लाइक शेयर करो। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं।